आओ अंदर आओ। आया था तुम्हारा आदित्य कुमार। सविता ये तुमने कैमरा कब लगवाया? लास्ट टाइम तो नहीं था। आज ड्यूटी पर हो? कोई मिनिस्टर आया क्या शहर में? हाँ वो कैमरा लगाना पड़ता है, चोरी बहुत हो रही है ना, और पुलिस भी आजकल कैमरे की रिकॉर्डिंग देख के जल्दी नतीजे पर पहुंच जाती है। हाँ ये तो है, सीसीटीवी इज मैंडेटरी। और हाँ यूनिफॉर्म में हूँ तो जाहिर सी बात है कि ड्यूटी पे हूँ। पास के चौकी पे मेरा कोर्ट ऑर्डर आया था, उसी को रिसीव करने आया था, बाकी कुछ और ऑफिशियल काम थे। आज तुम साड़ी में? ओ, तो आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, भूल क्यों नहीं जाती उसे? आदित्य मिलने आता है मुझसे जब तुम नहीं होते हो, और कैसे भूल जाऊं कि तुम उसके दोस्त हो और हमारी शादी में तुम भी थे। कितनी बार समझाया तुम्हें ये तुम्हारा सिर्फ बहम है, मरा हुआ कभी कोई वापस आया है? बैठो, बैठो। तुम बीमार हो, तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, नहीं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तुम भी आदित्य की तरह मर क्यों नहीं चाहते हो? कौन मारेगा मुझे? वो तेरा मरा हुआ आदित्य। प्लीज अपने आने वाले कल के बारे में सोचो, इसी तरह पीछे का सोचती रही ना तो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगी। आदित्य जिंदा है और वो आज भी मुझसे मिलने आया था। उसने मुझसे अपने आत्मा की मुक्ति की बात की। सॉरी सॉरी सर, उठो प्लीज। पुलिस वाला हूं, कोई मुझे मारने की धमकी देता है तो मैं हाथ उठ जाता हूं। पर तुम भी समझो, हम शादी करने वाले हैं और तुम मेरे मरने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन यह भी सच है कि समय हर दर्द को भुला देता है। आदित्य को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, तुम्हें और वक्त चाहिए उसे भुलाने के लिए? आदित्य के मरने पे जो पैसा मिला है उससे मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितना खुश मैं आदित्य को मिलने के बाद होती हूँ। खुशी तो मैं भी देता हूँ तुम्हें। बेड पे जाओ, बेडरूम में मैं आता हूँ। इतना अच्छा होता कि आदित्य मरता भी नहीं और हमें पैसे भी मिल जाते। अरे ओ पागल औरत, बीमा वाले बिना लाश मिले बीमा का पैसा नहीं देते। लेकिन तुमने तो मुझे और आदित्य को यही कहा था ना कि आदित्य की जगह किसी और की लाश का इंतजाम कर देंगे, और इसीलिए तुमने 10 करोड़ की पॉलिसी के 2 हिस्से करवाए, जिसका पहला हिस्सा तुम्हें मिल चुका है और आदित्य नहीं रहा। सविता ये तुम्हें भी पता है, इंश्योरेंस का पहला हिस्सा जो तुम्हें मिला है उसी से तुम्हारे छोटे भाई के कैंसर का इलाज हुआ है। आदित्य की उम्र उतनी ही थी, वो इस संसार से पूरे विधि विधान के साथ जा चुका है और उसका जाना जरूरी भी था, नहीं तो तुम मुझे कहाँ मिलती? मुझे पाने के लिए तुमने आदित्य को हटा दिया। मुझे पैसे चाहिए थे पर इस कीमत पर नहीं, अब तुम्हें भी जाना होगा। आदित्य तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, जब आदित्य आएगा मेरे पास तो मैं फिर से उसे मौत की नींद सुला दूंगा। अभी जाओ बेडरूम में एसी ऑन करो, मैं आता हूं। प्लीज जाओ, फोन कॉल करके आता हूं। प्लीज जाओ। मेरे इस फोन में इस कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग। आज आदित्य आया था
पर वो इसमें रिकॉर्डेड है। देखो रिकॉर्डेड। इसमें तो सिर्फ मैं हूँ, आदित्य कहाँ है? कमाल की एक्टिंग करते हो, इसमें तो लग रहा है जैसे तुम आदित्य को सच में गले लगा रही हो, उसका हाथ पकड़ के अंदर ले आ रही हो। सविता तुम्हें फिल्म लाइन में होना चाहिए, फिलहाल अभी बेडरूम में जाओ, एसी ऑन करो, मैं आता हूं एक जरूरी फोन कॉल करके। प्लीज जाओ। हेलो सर, राज बोल। यही वसई चेक पोस्ट पे ही सर, बस निकलता हूँ सर। जहाँ हो वहीं रहो, यू आर सस्पेंडेड। मैं शिरीष को बोलता हूँ तुमको अरेस्ट करने के लिए। क्या बोल रहे हैं ये आप? क्या बोल रहे हैं शिरीष? नहीं 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 सर, मैं खुद आता हूँ। बादलपन की एक्टिंग करके मेरे को फंसा दिया। तेरे को क्या लगा तू मुझे फंसा के अकेले मेरे को जेल भेज देगी? मैं अकेले जेल जाऊंगा। तू भी जाएगी मेरे साथ। मैं तो अपने सोर्सेज लगा के फिर भी बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तू जिंदगी भर उसी जेल में सड़ेगी। अब देख मैं तेरे को कैसे प्यार करता हूं जी भर के। मौका मिले या ना मिले, आदित्य तुम आ गए। जब तुम हॉल में आए थे तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं आया? अब यहाँ क्या त्रिसम होने वाला है? सविता मैं ऐसी फालतू की बातों से डर नहीं सकता, मेरा साथ दो सविता प्लीज। ये सब पागलपन बंद करो, समझी? देखा आदित्य, इन्हें तुम अभी भी नहीं देख रहे हो।
मैं जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा।